ए लादी कौन सी गांव की मिट्टी थी, सोना उगले सोना उगले। गांव की मिट्टी में जो पड़ा आता सोना नहीं होता वो। गोबर गोबर चाची ताड़का खबरदार जो मेरे गांव की मिट्टी के बारे में आई शाय बका तो। सच कहते हैं लोग, पूरी दुनिया घूम लो, सब जगह घूम लो, लेकिन जो खुशबू हमारी गांव की मिट्टी में मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। मेरी गांव की मिट्टी लगता है दूसरे गांव की मिट्टी उठा लाई। नाना तेरे पे उठा के भी लाई मिट्टी। दादी गांव की मिट्टी ले गई मेरे को। नाना ये गांव में इतना धोखा देके ले गया मेरे को गांव में। कहती बिट्टू गांव चलेंगे, खुला आसमान देखने को मिलेगा। खुला देखने को मिलेगा आसमान, साली छत ही नहीं ऊपर। जाना चाहता है ना खंडपाल मदन गोपाल? हाँ। जाना चाहता है ना? जाऊंगा मैं नहीं रहूंगा यहाँ। हाँ, हाँ, तो चला जा चला जा। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दे, जाएगा कहाँ, सोएगा कहाँ, फुटपाथ पे? अरे यही ममता मेरे को जाने नहीं देती पता। बात करता है, मैं कौन होती हूँ इसे रोकने वाली? वो तो यादें रोकती है इसे, इसकी बचपन की। तुझे याद है? याद है बचपन में जब तू इत्तू सा था? सारे इत्तू से होते हैं। गिल्ली डंडा खेल रहा था। उस वक्त तो गिल्ली भी इससे बड़ी हुआ करती थी। ऐसे खींच के इसने गिल्ली मारा कि सरपंच की आंख फूट गई। सामने ये सब बातें कर रही हूँ, सुन मैं तुझे बताना भूल गई। सरपंच जी आ रहे, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया था। हाँ, वो खाना लेकर आते ही होंगे, मैं जाके मिट्टी की बर्तन बनाती हूँ। हाँ, अभी आई मैं। ओए ओए। तो हर चीज मिट्टी के बर्तन है। मदर इंडिया जा रही है, मदर इंडिया। कौन आया है? कौन है? कौन है? वो बचपन याद करो जब मैं तालाब में से तुम्हें जामुन निकाल के खिलाता था। क्या बकवास कर रहे हो, जामुन तो ऊपर पेड़ पे लटके होते। तो मैं बंदर थोड़ी सा पेड़ पे चढ़ता, जब वो जामुन पक कर नीचे गिर जाते तालाब में, मैं तालाब में से निकाल के ला के तुम्हें खिला देता। आज भी उतनी नौटी हो तुम, आज भी उतनी। क्या बताऊं गुक्कू, तुम भी आज भी बिल्कुल वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। क्यों, मैं बचपन में भी बुढ़ा ही लगता था। मेरे कहने का मतलब है आज भी उतने ही नाटक खट हो। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में आग लग गई। हाँ वो थोड़ी सी लग गई है। तो क्या बड़ी बात है, जहाँ जाओगी आग तो लगेगी। इतनी हॉट थी ना सिद्धू साहब, जब नहाने के लिए तालाब में घुसती थी मेंढक बाहर आ जाते थे, बोले पानी गर्म हो गया। और बताओ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा पोता है ना बिच्चू। हाँ? उसे बड़ी तकलीफ है। अरे मैं तो मिलाना ही भूल गई, रुको मैं अभी बुलाती हूँ। अरे कौन आया, तेरा कोई पुराना पागल मिलने वही? और गांव में कौन शाहरुख खान आएगा? अरे तू भूल गया बिच्चू, ये मेरा पोता बिच्चू, और ये हमारे गांव के सरपंच चौधरी गुग्गी सिंह जी। हाँ पानी लागू सालों बाद देखा तुझे मैंने, अब तो बहुत बड़ा हो गया यार तू। सारे बड़े होते और के जमीन में घुस जाता, छोटा हो जाता मैं। मुझे आज भी याद है जब तुमने बचपन में मुझे एक बार भिगो दिया था। बचपन में सारे ही होते ऐसे, बच्चे उठाओ भिगो देते क्या? सुशी सुशी नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं। हाँ? तुमने मुझे तालाब में धक्का दे दिया था, मुझे आज भी याद है। तो आपकी कौन सी हरकतें अच्छी थी, हमें सभी याद है।
हमारी भैंस का गोबर चुरा के लेके जाते थे आप। इतना बेवकूफ सरपंच है ना, रात को बकरी पानी में भिगो कर रखती, कहते सुबह भैंस बन जाएगी, पागल कह के। रिलैक्स गोगुस रिलैक्स, इसकी तो आदत है ऐसी आई बाई शाई बकने की। अच्छा आप लोग बैठो, मैं अभी जाकर बकरी चुरा कर लाती हूँ, बकरी को चारा खिला कर आती हूँ। जल्दी आया ना, अभी आई मैं, दिल नहीं लगेगा फिर। सच कह रही हूँ, इस उम्र में भगवान किसी को ऐसी डीडी ना दे। हाँ, ये मैं कहाँ आ गई, ये तो घर नहीं है, ये पुलिस थाना है। भाग डॉली भाग। अरे मुझे पहचाना नहीं, पुलिस वाले को पहचान के क्या करूं, जो चार डंडे मार दे जल्दी मार ताकि मैं निकलूं। अरे मैं इधर आइए, मैं शमशेर। शमशेर जी तो एक डंडा ज्यादा मार ले ले। इधर आओ। मैं पहचाना नहीं, मैं शमशेर तुम्हारा कजन पोता यार। शम्मी बेटा, कितना बड़ा हो गया तू। पाए लागू। चौंदा रे। हाँ बोल। मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई। मैं एक बात बता शम्मी बेटा, तू तो पंजाब पुलिस में था, फिर तेरी बदली मुंबई में हो गई। दादी ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तेरे में कुछ भी नहीं हजम होता दादी। देखो पोस्टिंग का क्या है दादी, जब शो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा हो ना सब कुछ हजम हो जाता है। और सुनाओ। वो सब छोड़िए, बता वो पड़ोस में तेरे वो जो रामलाल रहते थे उसकी बेटी वो भगोड़ी जो बार-बार भाग जाती थी उसका क्या हुआ? वो तो भाग गई थी, अभी तो पसीना-पसीना सुखा के आराम से बैठी, अभी तो ठीक है। और सुनाओ बिट्टू कैसा है? बिट्टू का क्या बताऊं, हाय हाय हाय, शादी के 3 साल हो गए लेकिन बच्चा अभी तक नहीं हुआ, बोल लूजर। बेटा कैसा है? मेरा ठीक है बस। एक ही बेटा है या और कैलेंडर छाप दिया? नहीं दादी तुम्हें पता है एक ही बेटा था मेरा, तो उसके बाद में पुलिस में नौकरी लग गई, फिर टाइम कहाँ लगता है, 4-5 हैं अभी। अच्छा ये बता उसी घर में रहता है या बड़ा घर ले लिया? घर दादी कहाँ घर बड़ा लेना, पुलिस वालों की कमाई रही कहाँ है आजकल, अब किससे 50 रुपए मांग लो आगे से मुंह अरविंद केजरीवाल जैसा कर लेता है, डर लगा रहता है। इस चक्कर में हम लोग डर रहते हैं कि यार कहीं केस ना करते, तो मैं बाद में मैंने सोचा भाई ये चक्करों से अच्छा है डाकू वाकू पकड़ के नाम हासिल करूं, मैं चला गया चंबल। अच्छा बंकर सिंह को पकड़ने, और बंकर सिंह चंबल में जब गया मैं, यू वॉन्ट बिलीव ही वॉज सो हम्बल इन चंबल। और मैं मतलब जैसे लड़ाई शुरू हुई ना उसने मुझे पहले मुक्का मारा, पहले मुक्के में ना मैं एक्चुअली क्या हो गया, मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया मैं। बेटा उसे नींद नहीं बेहोशी कहते हैं। थाने में आता कौन है, क्रिमिनल आते क्या? तो वो कौन सा दूध पीने वाले होते हैं। मैंने रख ली, मैंने कहा चलो ऊपर कमाई हो जाती है और क्या। बहुत सही काम किया तूने, बहुत सही काम किया। हाँ चल जल्दी से एक मुझे भी पिला ले, पर प्रेशर के मारे देख हाथ कांप रहे। क्या याद करोगी दादी, ये तुझे बीयर पिलाता हूँ, बाकियों को 90 की तुझे 110। इतना बड़ा हो गया तू, अपनी दादी से पैसे लेगा तू, भूल गया इत्तू सा था, इत्तू सा। तेरी माँ की दादी। कितने पैसे देती हूँ, देती हूँ। आराम से मार रहा है। देती हूँ। क्या देखते हो? दादियाँ बोलते हैं अपनी जगह। कितने बोले? ये कहाँ से निकाले पैसे? ये लॉकर से। बड़ा पुराना लॉकर है। 110 हाँ ले ले। तेरा 10 का नोट फटा हुआ है, दूसरा नोट दे। ये और नहीं है मेरे पास, चेक कर ले। ए, तो थोड़ी देर और पिला फिर मेरे को। ये तो 15 की पी गया तू। 15 की पी गया। 15 की पी है। दिए ये रख, 5 मुझे दे। नहीं है ना मेरे पास। दे दे। अबे पूरी खाली कर गया। ये
मेरे थप्पड़ मैंने दे, पैसे दे, मेरे पैसे तो दे वापस, पैसे दे उन्हें। एक तो एक पुलिस अफसर को ऑन ड्यूटी भर्ती में बियर पिला रही तू, केस ठोकूंगा तेरे पे बुटन चलने के लिए। सुन लो, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। मैं डंडा मैंने दे, दादी की घटा।